बिहार के सहरसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सहरसा जिले के महिषी प्रखंड क्षेत्र के आदर्श मध्य विद्यालय राजनपुर के पुराने भवन को तोड़कर उसके अवशेष को बेचे जाने का मामला सामने आया है। इसी क्रम में बुधवार को पुराने भवन की जांच भी की गई। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक राजीव नंदन सिंह और बीईओ सत्य प्रकाश सिंह ने भवन का निरीक्षण किया। ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन पर प्रधानाध्यापक हीरा चौधरी के ऊपर पुराने विद्यालय भवन को तोड़कर अवशेषों को बिना शिक्षा समिति के बैठक कर भेजे जाने की शिकायत की गई थी। निरीक्षण किए जाने के बाद गड़बड़ी की बातें सामने आई है। प्रधानाध्यापक के द्वारा शिक्षा समिति के बैठक के बिना किए गए गार्ड बहाली की जांच की गई और इसी दौरान बीईओ के द्वारा प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण भी किया गया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह, जिला जदयू अध्यक्ष हैं, तकनीकी प्रकोष्ठ सहरसा का। किस लिए आवेदन दिए हैं? आवेदन इसलिए दिए हैं, मेन मामला है हीरा चौधरी के सरकारी संपत्ति का गबन के बारे में। राजनपुर मध्य विद्यालय को उत्क्रमित विद्यालय हाई स्कूल का दर्जा मिल गया है, और नवमा दसवा का पढ़ाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से, तो हम लोग का सहयोग था कि हम लोग के गांव के लड़का लड़की गांव में ही मैट्रिक कर लेंगे, गरीब हो या गरीब गुरबा सबको सुविधा होगा। ये मास्टर रात में बिल्डिंग तोड़ के बिना शिक्षा समिति के अनुशंसा के बैठक किए हुए, गांव के कोई भी गणमान्य आदमी के से भी नहीं पूछा गया, और कुछ जो था इसका ईटा बिल्डिंग जो तोड़ा गया तो बिल्डिंग का ईटा था 25,000 के लगभग, इससे कम होगा विशेष बेसी होगा, लेकिन कम से कम 25-30,000 हम मान कर चलते हैं। पूरा फील्ड भरा हुआ था, 3 गेट था, केवाड़ी था, चौखट था, खिड़की था, छड़ था, सब 5 लाख से ऊपर का संपत्ति ये हीरा चौधरी गबन कर दिया, बेच दिया गया इसके द्वारा। इसके लिए लोकल प्रशासनिक में कहीं पे आप दिए हैं आवेदन? जी, इसमें हम RDD साहब 3 जिला का मालिक हैं, शिक्षा विभाग के कमिश्नरी ऑफिस में जाकर हम RDD साहब को दिए आवेदन अपना लेटर पेज पर। उसके बाद ग्रामीण के द्वारा एक आवेदन बनाया गया, उसमें मैंने अनुशंसा भी किए और DO साहब को दिए, इसका जांच हो चुका है। बिल्डिंग विभाग के तरफ से, शिक्षा विभाग के बिल्डिंग के विभाग की ओर से इसका जांच रिपोर्ट चला गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी बेवजह ये फाइल को दाबना चाहता है, इसमें मिली भगत है मास्टर से, शिक्षा को बदनामी कर रहा है, सरकार को बदनामी कर रहा है, माननीय नीतीश कुमार की इसमें बदनामी होता है।